नमस्कार, जय जगन्नाथ। कालिया कथार आज अध्याय को आपण मान अंतर भरी स्वागत। कथारे कथारे आमे माने सूर्य मंदिर पर्यंत पहुंची सारीचे। एबे जोटी पहुंचा सेठी पहुंचा पाई सृष्टिर प्रत्येक प्राणी मन इच्छा था, कारण भगवान बड़ विचित्र मृत्यु तो प्रत्येक प्राणी को देखते जातस्य ध्रुव मृत्यु देवता हेले भी मरे, किंतु जो गुटिक भगवान निज हाथ मुठारे रखिंट ताकि मुख्य बा सल्वेशन। तेणु जोटी मुक्ति पाई इच्छा थाए पुनरपि जनमम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तेणु जो जीवा आसवार प्रक्रिया भितर उद्धार पाइबापी हेले श्रीअंगे विलीन हाबापी हेले आमको मुक्तिर आवश्यकता अच्छे। तेणु ये मुक्ति शब्द सहित आम जीवन केमी एक आवेग जोड़ी हो रही। तेणु एवं आम दर्शन करवा मुक्ति मंडप को कड़ा मुगुनी पथर से 38 फुट बाय 38 फुटर एक आसन जहाँ भूमिर पतन ठार 6 फुट उच्च एवं 16 खम्भ उपरे बा स्तंभ उपरे यार पीढ़ छात न्यस्त करा जाय अछि बा निर्माण करा जाय अछि। ये होचंती मुक्ति मंडप जोटी प्रपूजित होचंती स्वयं काली गणेश एवं सूर्य मंदिर ठारु मुक्त नृसिंह मंदिर पर्यंत जो मध्यवर्ती स्थान ताहि मुक्ति मंडप नाम नामित होती। श्रीमंदिर सत्यलिपि अनुसार 138 नंबर प्लॉट एवं 82 नंबर प्लॉट ए दुईटी प्लॉटर समिश्रित अंश होती मुक्ति मंडप। ये 16 खम्भ कौन पाए एक जानवा पूर्व आसतु जानवा जे ए मुक्ति मंडपर निर्माण कौन पाई। पुराणकार मैंने कहते जिते बड़े महर्षि नारदंकर सहायतार स्वयं ब्रह्मा को निमंत्रण करने राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक को गमन करते ब्रह्मा को साथीरे धरी नीलाचल शिखर निर्मित होता श्रीमंदिर भितर चतुर्धा विग्रह को प्रतिष्ठा करने जिते ब्रह्मा को निवेदन कले वैदिक कर्मकांड अनुसार बिना यज्ञ रे कौन से प्रतिष्ठा कार्य समापन हो पारती ना। सुतरां से यज्ञ बेदी एवं ए यज्ञ बेदी रे ना ब्रह्मा सहित समस्त देवादेवी नीलाचल उपस्थित रही महाप्रभु दिव्य प्रतिष्ठा कार्यर अंशीदार होते से ए मंडप एक गुरुत्वपूर्ण परिचय बहन करे श्रीमंदिर भितर जगन्नाथ संस्कृति भितर। कारण एक कथा भी शास्त्र कहती जे मंडप मय नीलाद्रि मंडप अर्थात श्री मंदिर भितर अजस्र मंडप अच्छी श्रीक्षेत्र अजस्र मंडप अच्छी तत्न मध्य अग्रगण्य श्रेष्ठ भाव जो मंडप को आम स्वीकार करूँ जो मंडप निकट आम मथा नुआई दे मुक्ति मंडप। आपण देखिए राजदरबारी नीति अनुसार राजदरबार ब्राह्मण मान कौटी बसंती ना राजांकर से राजदरबार दक्षिण भाग ब्राह्मण मान उपवेशन करते यज्ञ कौन कह जाए ना दक्षिणत्व ब्रह्मासन दक्षिण भाग ब्रह्मा बा ब्राह्मण माने यज्ञ दक्षिण भाग को सुरक्षा दिखती तार तत्व अवधारक। सुतरा श्रीमंदिर दक्षिण भाग में बेहरण द्वार सम्मुखें शख द्वार सम्मुखें दक्षिण पट को मत ए मंडप निर्माण करा कराइ प्रतिनित्य एठारे को माने बसंती ना अतीतर शासिनी ब्राह्मण राजगुरु देउल पुरोहित सन्यासी ऋषि एमानंकु मुक्ति मंडप रे बसिबा पाई
योग्य विवेचित करा जायतिला बा अधिकार प्रदान करा जायतिला। जदियो मुक्ति मंडपर निर्माण संबंध में सठिक तथ्य ए पर्यंत नाही। किछि किछि गवेषक केदारनाथ महापात्र आरंभ करी राम त्रिपाठी पर्यंत किए किए या षोडश शताब्दी मंदिर कहला बेले, किए किए रामचंद्र देव समसामयिक कहला बेले, किए किए महा गौरीदेवी निर्माण बोली कहुए। तेणु मंदिर निर्माण ऐतिहासिक मतवाद अनुसार ऐतिहासिक गवेषणा अनुसार सठिक तथ्य निर्माण न करा जाइतिले बि बा निश्चित स्थिर निश्चित न करा जाइतिले बि मुक्ति मंडप जे मुख्यर पथ को प्रशस्त करी पारे मुख्यर पथ उन्मुक्त करी दे पारे ए विश्वास आज भी आम मानक भितरे बा समग्र हिंदू मानक मध्यरे बलवत्तर ही अछि। केवल आमे नहि जेतेबेले स्वयं गजपति महाप्रभु को दर्शन पाए विजय करंती सेतेबेले एई दक्षिण द्वार देई बा बेहरण द्वार देई तळकु आसंती एवं एई मुक्ति मंडप उपरे मथा नुआई प्रणाम अर्पण करंती स्वयं गजपति जे नवकोटि कर्णाट उत्कल कल वर्गेश्वर। तेबे षोल खुंभ कण पाए ए षोल स्तंभ पछरे कारण कण ना जेतेबेले ब्राह्मण मानंकु आणी जमीबाड़ी देई षोल शासन निर्माण करा जायतिला अर्थात एक कथा एया प्रमाणित करुछि जे ए मुक्ति मंडप ही दिने समग्र संस्कृतिर विधायक साजिथिला। ए जो षोल शासन रहुथिबा ब्राह्मण माने ही परोक्ष भावरे राजा सर्वोच्च मुख्य हेले भी शासनर प्रतिटि निष्पत्ति ए षोल शासनर ब्राह्मण मानंक उपरे न्यस्त करा जायतिला से माने ही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ग्रहण करुथिले एक कथा मध्य स्वीकार्य। तेणु बसुथिले संप्रति किए किए बसुथिले ना को यज्ञ वेदी ब्रह्म वेदी ब्रह्मासन अनेक भावर नामित करागले भी मुक्ति मंडप नाम जे सर्वजन समादृत एक कथा आम स्वीकार करने बाध्य। किए किए बसुले ना षोल शासन रु षोल जन बतीश करबाड़ चारिज एवं राजगुरु तेना षोह चार कोड़े एक एक जन पंडित मान बसुले ब्राह्मण शासनी ब्राह्मण मान बसुले जो मैंने षोल शासन रतिभू प्रतिनिधि बतीशी करबाड़ प्रतिनिधि चारि एवं स्वयं राजगुरु जे राजांकर गुरु पदर अभिषिक्त ही था एक जने मंडपर बसुले प्रतिनित्य महाप्रभु जो सुना थाली रो भोग लगे प्रधानी सेवक से भोग को आनी ए मुक्ति मंडपर एक चतुर्थांश प्रदान करे एवं तहा मंडपर थिबा काली को समर्पण करा जाए एवं गणेशंक पाई दुईटी बल्लभ कोरा आसिकी पहुंचे एवं समाज रे जेते प्रकार पाप अछि गोहत्या नरहत्या आत्महत्या श्राद्ध केहि जदि शव प्राप्त न हेले तांकर प्रतिकार अस्थि विसर्जन करिबा पूर्वर हजिगले तार प्रतिकार सब विभिन्न अपकर्मर प्रतिकार बा अशुभ कर्मर जो प्रतिकार ताहा एहि मुक्ति मंडप रे निर्णय करा जाऊ थिला आज भी करा जाऊ अछि। सुतरां दैनंदिन रीतिनीति जीवन रे ए मुक्ति मंडपर निष्पत्ति जे आम मानक पई ध्येय ए कथा आम स्वीकार करबा को बाध्य। केवल सेतिकि नय ए ब्राह्मण मानकर कर्म कोन थिला ना प्रत्येक दिन रो तिथि नक्षत्र पांजी इत्यादि भी आलोचना करी को दिन को पर्व हम से पर्वर विधि विधान अनुसार कौन करा जीवो एवं से तार अनुकरण रे जो पंजिका निर्माण करा जीवो से पंजिका भी एक ब्राह्मण माने रचना करुथिले गजपति निर्देश रे प्रतिनित्य महाप्रसाद प्राप्त होउथिले एवं ए कर्म करुथिले प्रत्येक संध्या रे एठी वेद एवं पुराण मध्य पाठ करा जाए जहाँ आज भी आपण माने देखि परिबे एवं
श्रावण मासर जो झुलण यात्रा अछि से झुलण चतुर्दशी तिथि रु प्रतिपद पर्यंत जो सात दिन रो यात्रा से झुलण यात्रा मध्य एही मुक्ति मंडप रे ही अनुष्ठान करा जाय। एतत् व्यतीत महाप्रभु को पई षोह शासन रो भोग वर्षक एक दिन एठारे प्रदान करा जाय। एवं जो माने श्राद्धरे विवाहरे कौनसी कर्मरे ब्राह्मण भोजन पाई जो वैदिक परंपरा अनुसार ब्राह्मण भोजन परंपरा अच्छी यू ब्राह्मण मानक निमंत्रण कराए विनम्रतार सहित जे आपण आम घरे भोजन ग्रहण कर आम को कृपा आशीर्वाद प्रदान करंडपर नृसिंह चतुर्दशी पालन कराए गणेशों सहित कालिंग सहित एठारे नृसिंह मध्य विराजमान करती तेणु मुक्त मंडप बा मुक्ति मंडप जे आम मुक्तिर पथ को उन्मुक्त करिपारे आम दैनंदिन जीवन एक अविच्छेद्य अंग एवं आम आध्यात्मिक उत्तरणर एक मुक्ति मंडप होची एक गुरुत्वपूर्ण पावच्छ एक कथा आम स्वीकार करने बाध्य तेरे ईश्वर करतु तांकर कृपार आपणक जीवन में भी मुक्तिर पथ उन्मुक्त हो ये कामना सहित कालिया कथा को आज पई एठी रखुची। जय जगन्नाथ।